हेलो दोस्तों, कैसे हो। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र गुजार कीजिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते अक्सर वो उजड़ जाया करते हैं। अगर कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ता है, ऊंचाई पे चढ़ता है, तो वो झुक के चलता है, और कोई इंसान जब पहाड़ से उतर रहा होता है तो वो अकड़ के चलता है। इसलिए जिंदगी में कभी कोई आपको अकड़ के चलने वाला मिले तो समझ लेना वो नीचे जा रहा है, और कोई झुक के चलने वाला मिले, कोई विनम्र होके चलने वाला मिले तो समझना वो ऊंचाई पे जा रहा है। आज अपन इस वीडियो में एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। वो बात है कि अपन एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों भाई भाई स्टेट, उनका एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि कौन से रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसकी बात अपन एक एक करके बात कर लेते। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर दी है, फिर मैंने यहाँ पे पिछले साल का डाटा मेंशन कर दिया है। देखो, अगर इस बार के रिजल्ट को मैं पिछले सालों के रिजल्ट से कंपेयर करूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं कंपेरिजन कर ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिछले 2-3 साल का अगर मैं रिजल्ट कंपेरिजन करके इस साल का रिजल्ट प्रिडिक्ट करूं तो बहुत बड़ा मेरे को चेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ स्टेट में कुछ मेडिकल कॉलेज नया ऐड हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, उसके हिसाब से भी अपन पिछले साल का डाटा ऑब्जर्वेशन में लाके और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, गवर्नमेंट एम्स कितना खुला है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में कितना खुला है, उन सब का थोड़ा थोड़ा फर्क सब जगह पड़ता है। तो यहाँ पे अपन एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो यूपी में अपन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये लगाया कि कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये पिछली साल का रैंक है। ये 2022 का क्या है, रैंक है। तो ये रैंक तक कॉलेज मिल गया था लास्ट राउंड तक। अब देखना, अगर यहां तक आपको कॉलेज मिल गया है तो अगर मैं 2023 का एक्सपेक्टेशन लगाऊं, ये मैंने क्या किया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख दिया है यहां पे। तो यहां तक कि अगर आपकी रैंक इसके आसपास वेरी कर रही है यूपी में कि 22,500 के इर्द गिर्द अगर आप जनरल कैटेगरी में रैंक फाइट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जीएमसी मिल जाएगा। ओबीसी में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं मिलता, जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इस रैंक के आसपास अगर आपका नंबर घूम रहा है, क्योंकि नंबर और रैंक में थोड़ा सा फर्क होता है, आपकी रैंक सेम नंबरों पर अलग अलग हो सकती है, और सेम नंबरों पर अलग अलग होने का रीजन होता है कि सेम नंबर अगर बहुत सारे बच्चों के आए तो रैंक थोड़ी वेरी करेगी, वो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं, लेकिन आपकी रैंक अगर इनके आसपास घूम रही तो मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो पिछले साल ये रैंक थी एससी में, इस साल देखो इससे ज्यादा रैंक तक मिल जाएगी कॉलेज, इस साल इससे ज्यादा रैंक तक कॉलेज मिलने की चांसेज है, ये एक्सपेक्टेशन मैंने लगाया है। तो पिछले साल में और इस साल में रैंक के अकॉर्डिंग ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने एमपी की बात करी, तो एमपी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये मैंने 2022 का रैंक लिख दिया, और ये मैंने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगा दिया। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 में एमपी का ये है, पिछली बार था 46,770, अब की बार 48,500 तक अगर आपकी रैंक आ रही तो आपको जीएमसी मिलने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में ये रैंक है, ओबीसी में ये रैंक है, इनकी सभी की रैंक लगभग सिमिलर जा रही है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रैंक यहाँ पे सेम जाती हुई दिख रही है, जनरल की थोड़ी सी अब जाएगी, और यहाँ पे एससी एसटी की रैंक इसके आसपास में घूम रही है। तो इसके आसपास में अगर आपकी रैंक है तो आपको जीएमसी मिल जाएगा एमपी, एमपी और यूपी में, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।